हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं आज आप लोगों के समक्ष बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए पहला क्लास करंट अफेयर्स का लेकर उपस्थित हुआ हूं। आपको पता होगा कि जो इस बार आपका होगा, एक ही पेपर होगा, दो पेपर नहीं होगा, और एक ही पेपर 150 नंबर का होगा, जिसमें 30 नंबर क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश मिला हुआ होगा। तो उसमें आपको 30 नंबर में 9 नंबर लाना अनिवार्य है, यानी कि इसका 30%। और जहां मेरिट बनने की बात है तो 40 नंबर जो आपका जनरल स्टडीज पूछा जाएगा और 80 नंबर जो आपका सब्जेक्ट स्पेशल पूछा जाएगा, ये मिला करके आप देखिएगा तो 150 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो 40 नंबर का जीएस है, इसके तहत आप लोगों को कम से कम 4 से 5 करेंट अफेयर्स तो रहेगा ही रहेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि मात्र 4 से 5 करेंट अफेयर्स पढ़ने के लिए पूरा मैगजीन यदि आप उल्टा दीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर ये प्रश्न कहां से पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको सेलेक्टेड मटेरियल पढ़ने की आवश्यकता होती है। अगर आप सेलेक्टेड मटेरियल नहीं पढ़िएगा तो पूरा पढ़ना भी संभव नहीं है। सारे के सारे मैक्सिमम लोग जो इसमें भरे हैं तो सारे के ये टीचर हैं, या फिर सभी के सभी मैक्सिमम तो कह सकते हैं कि ये जॉब वाले ही हैं, जिसके वजह से परेशानी हो जाती है। तो दोस्तों, मैं वीडियो के माध्यम से वैसे ही चीजों को प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं 3 वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूं, और मुझे ये आशा ही नहीं है कि पूर्ण विश्वास है कि 3 से 4 प्रश्न जो लड़ेगा तो निश्चित रूप से हमारे वीडियो से ही लड़ेगा। इसकी लगभग आप कह सकते हैं 80% गारंटी मैं यहाँ, चूंकि मेरे समझ से ऐसा ही है, इसलिए कि एक आइडिया है, एक हमारे पास एग्जाम का एक आइडिया है कि क्या पूछा जा सकता है। ये आइडिया के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग इसी 3 वीडियो से लड़ने की पॉसिबिलिटी होगी, ये तय है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये जो पहला प्रश्न है। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ था? तो ये बेंगलुरु के अंदर हुआ था, यानी 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन के बारे में बात कर रहा है। तो ये कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु के अंदर हुआ था। आप इसका थीम जरूर याद रखिएगा, थीम है सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड अप टू सॉन, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिएगा, मैं हाइलाइटर मार चुका हूं। आप जो भी मैं हाइलाइटर मार रहा हूं, आप उसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। चलिए अब देखिएगा कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन, यहां से जो प्रश्न रहता है आपको पूछ देगा कि भी भारत में हाल ही में G20 सम्मेलन आयोजित किया गया था, ये कौन से नंबर का था? पहला प्रश्न आपका यहां से आ सकता है तो 18वें नंबर का था। कौन से नंबर का था दोस्तों? 18वें नंबर का। और ये कब से कब? 9 से 10 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया। कहां पे आयोजित किया गया? भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर ये आयोजित किया गया दोस्तों। इसका थीम क्या है? मैं गारंटी देता हूं कि यहां से प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी है। यह भारत मंडपम नई दिल्ली, और इसका जो थीम है यह क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, यानी इंग्लिश में यदि देगा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इसका जो है क्या है? थीम है दोस्तों, यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और भारतीय शेरपा का क्या नाम है? अमिताभ कांत, ये भी आपको याद रख लेनी है। उसके बाद देखिए, पहले G20 शेरपा बैठक कहाँ पे हुआ? अब देखिए, इसमें बहुत सारा बैठक हुआ था, लेकिन सारा याद रखना पॉसिबल नहीं है। आप इसको सिर्फ याद रखिएगा, पहली G20 शेरपा बैठक कहाँ पे हुआ? उदयपुर। ये उदयपुर कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। यानी G20 में शामिल नया स्थायी सदस्य कौन बना? अफ्रीकन यूनियन। G20 में शामिल नया स्थायी सदस्य कौन बना? अफ्रीकन यूनियन बना है दोस्तों, ये आपको याद रखनी है। 17वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? बाली इंडोनेशिया में। कब हुआ था? 2022 में। अब 19वां यानी 18वां भारत में हो गया, 19वां कहां पे होगा? तो ये ब्राजील के अंदर होगा, 2024 के अंदर होगा, यानी 2024 में होगा। अगर हम लोग बात कर ले 43वीं आसियान शिखर सम्मेलन, तो ये कब कहां पे होगा? ये इसका आयोजन कहां पे हुआ? 5 से 7 सितंबर, ये जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर हुआ। थीम इसका था एशियन मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ
ये इसका कोड था, ये थीम था। उसके बाद देखिए 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इससे संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वह मैं आपके समक्ष में प्रस्तुत करने वाला हूं एक कोड के माध्यम से। आप कोड जरूर याद रखिएगा, यहां से आपका प्रश्न लड़ने की पॉसिबिलिटी है। तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ, 22 से 24 अगस्त 2023 को हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने किया था, और भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है ब्रिक्स का जो सम्मेलन 2023 में हुआ कौन से नंबर का, तो 15वें नंबर का। G20 कौन से नंबर का था दोस्तों, ये 18 नंबर का था दोस्तों, ये भी आपको याद रख लेना है। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का नेतृत्व भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कितने सदस्य न्यू एड हुए हैं, ये आपको एक कोड के माध्यम से मैं याद करा दे रहा हूं, आप उसको याद कर लीजिएगा। कोड है कि यूएसए में IIM है, आप कोड देखिएगा, यूएसए में IIM है, यानी 6 नए देश। आपको तो ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से देश शामिल, कितने देश शामिल हुए, पहला प्रश्न बन सकता है 6 देश शामिल हुए नया। अगर आपको पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है, यदि आप 6 देश का नाम याद नहीं रखते हैं तो निश्चित रूप से आप धोखा खा जाइएगा और आप आंसर नहीं कर पाइएगा। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि यूएसए में IIM है, यानी यूएसए बोला जाए तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले यूएसए के बारे में यदि बात किया जाए तो यूएई है पहले नंबर पे, यानी यूएई। एस से सऊदी अरब हो गया दोस्तों, ए से आप अर्जेंटीना हो गया, यानी यूएई, उसके बाद सऊदी अरब, अर्जेंटीना, IIM इथियोपिया हो जाएगा, ईरान हो जाएगा और मिस्र हो जाएगा। ये IIM का मतलब, यानी ये 6 देश शामिल हुए हैं ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में। थीम क्या था, ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए इसका 14वां शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ था, तो ये आपका चीन में हुआ 2022 में। लेकिन 16वां सम्मेलन ब्रिक्स का कहां पे होगा, ये कजान और रूस के अंदर होगा 2024 में। चलिए उसके बाद देखिएगा 32वां नाटो शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ, ये 11 से 12 जुलाई विनियस में हुआ। विनियस कहां पे है, लिथुआनिया के अंदर है। 32वां 2022 में मैड्रिड स्पेन में हुआ और 34वां होगा वाशिंगटन डीसी, जो कहां पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। उसके बाद 23वां CSCO शिखर सम्मेलन के बारे में बात किया जाए तो ये आयोजन इसका भारत में हुआ है और थीम इसका है टुवार्ड्स ए सिक्योर SCO। और 22वां सम्मेलन समरकंद उज्बेकिस्तान 2022 में। चलिए उसके बाद देखिएगा ये 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहां पे आयोजित किया गया, जेनेवा में किया गया और थीम है WHO@75 सेविंग लाइफ्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। और 22वां ये 2022 में कहां, समरकंद में हुआ। ये जो भी हाईलाइट मैं नहीं मारा हूं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप देख लीजिएगा एक नजर। अब इसमें देखिएगा 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन, ये ढाका बांग्लादेश के अंदर है, अध्यक्ष शेख हसीना, APM बांग्लादेश। और शांति समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी, इसका थीम रहा है। अब हाइलाइटर मारा हुआ है, यहां आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहां पे हुआ, ये हिरोशिमा यानी जापान के अंदर हुआ 19 से 21 मई 2023 को। 48वां 50वां शिखर सम्मेलन यानी 48वां जर्मनी में हुआ और 24 में होगा 50वां, ये कहां पे, इटली के अंदर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 ये कहां पे, नई दिल्ली के अंदर हुआ है। थीम इसका रिस्पांस टू कंटेम्पोररी चैलेंज फिलोसोफी। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन देखिएगा, यह आयोजन न्यूयॉर्क के अंदर हुआ 22 से 24 मार्च 2023। इसका थीम था आवर वाटरशेड मोमेंट यूनिटाइजिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसका आयोजन हुआ नाडी फिजी में 15 से 17 फरवरी 2023। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। सम्मेलन का विषय है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। उसके बाद देखिए पहली G20 ECSWG बैठक 2023 आयोजन बंगलुरु भारत, यानी के 9 से 11 फरवरी 2023। उसके बाद विश्व आर्थिक मंच के बारे में बात करें तो 53वीं वार्षिक बैठक एक दाओस स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ है, ये आपको याद रख लेना है।
और I2U2, इसमें सबसे बड़ी बात पूछता क्या है कि I2U2 में कौन कौन शामिल है, तो इसमें इंडिया, इजराइल, USA, UAE शामिल है दोस्तों। अभी अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक यानी COP7, ये शर्म अल शेख मिस्र में हुआ नवंबर 2022 में, जबकि COP28 ये दुबई संयुक्त राज्य अमेरिका में 2023 में आयोजित किया गया, ये निश्चित रूप से आपको पूछेगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं किसका, राष्ट्रीय प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में। इस ये तो अंतर्राष्ट्रीय देख लिए, अब हम लोग राष्ट्रीय प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन देखेंगे। 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नमेंट सम्मेलन कहाँ पे हुआ, ये इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ 24 से 25 अगस्त 2023 को। थीम था डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन्स। उसके बाद देखिएगा G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात के अंदर हुआ है। सम्मेलन का विषय है महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक अस्थायी समावेशी और न्याय संगत। 4वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव ये कहाँ पे आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। थीम है बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत। उसके बाद देखिए 14वां एरो इंडिया कहाँ पे, बेंगलुरु में आयोजित किया गया। इसका विषय है द रन वे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2023 ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया। शेयर्ड प्रोस्पेरिटी थ्रू इनहेंस इंगेजमेंट्स इन डिफेंस। चलिए उसके बाद देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, ये महाराष्ट्र के पुणे में किया गया 3 जनवरी 2022 को। थीम है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। उसके बाद 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, अहमदाबाद के अंदर किया गया। थीम है स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। उसके बाद 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023, ये देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका कहाँ आयोजित किया गया, इंदौर में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस परीक्षा के लिए, इंदौर मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी 2023 को। मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, राष्ट्रपति गुयाना, ये इंपॉर्टेंट है, विशेष अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। सम्मेलन का विषय डायस्पोरा अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ये सबसे इंपॉर्टेंट, यानी वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए मैं बस यहीं तक, आप इतना कम से कम करके जाइएगा, निश्चित रूप से परीक्षा में आएगा ही आएगा दोस्तों, इसमें नो डाउट। आप इसको एक से दो बार देख लीजिएगा, आपका कंप्लीट होगा। इसके बाद आने वाले दो महत्वपूर्ण वीडियो को आप देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, उसमें भी मैं काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न को हाइलाइटर से हाइलाइट करके मैं बनाया हूं, वीडियो बनाऊंगा और आप उसे देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एग्जाम से पहले आप कम से कम इस 3-4 वीडियो को मेरा करेंट अफेयर्स का देख करके जरूर जाइएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।